नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज्योतिष ज्ञान के नाम से एक सीरीज चलाई है, जिसमें बहुत ही स्टार्टिंग से लेके और एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप उसे पढ़िए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अभी हम गोचर के ऊपर ही बात कर रहे थे, ग्रहों के गोचर के बारे में ही कुछ चल रही थी सीरीज। करीब 60-65 वीडियो हो चुकी हैं, आप देख लीजिए इस सीरीज के अंदर। अभी गोचर पे हमारी बात चल रही थी, तो मैं गोचर वाला ही आपको दिखाता हूँ, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मूर्ति निर्णय क्या होता है। मूर्ति निर्णय एक अलग टाइप की पद्धति होती है, मूर्ति निर्णय बोलते हैं जिसको। ये पद्धति का उपयोग नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा किया जाता है, मूर्ति निर्णय का। अच्छा, ये पद्धति से ये मालूम चलता है कि किसी भी ग्रह का गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि चेंज करता है, ग्रह की संक्रांति होती है, कहते हैं ना, राशि को चेंज करने को बोलते हैं संक्रांति होना ग्रह की। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि चेंज करता है, अगर कोई ग्रह 10 नंबर राशि से निकल के 11 नंबर राशि में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रह की संक्रांति। इसी प्रकार सूर्य भी डिफरेंट डिफरेंट राशियों में जाता है तो सूर्य संक्रांति कहलाती है। इसी प्रकार से सभी ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे बुध हो, चाहे मंगल हो, या शनि हो, या गुरु हो, ये सब अपने अपनी राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं एक निश्चित अवधि के बाद। सबकी अवधि डिसाइडेड है कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहता है, ये आप सब जानते ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि चेंज करता है, उस समय आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक देखने वाली बात हो। जब ग्रहों का प्रभाव हमारे पे पड़ता है, ये हम जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जो भी लाइट आती है वो ग्रहों से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, पृथ्वी पे आती है। तो जब उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो सीधी सी बात है, जब ग्रहों की संक्रांति होगी, जब ग्रह राशि चेंज करेंगे, तब उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो उन्हीं को प्रभाव को मेजर करने के लिए कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, या ठीक ठीक पड़ेगा या मध्यम पड़ेगा, हम मूर्ति निर्णय का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति निर्णय बोला जाता है। मूर्ति निर्णय 4 प्रकार की होगी। एक स्वर्ण, दूसरी रजत, तीसरी ताम्र और चौथी लौह। स्वर्ण मूर्ति, जैसा कि आपको नाम से विदित है, नाम से लगता है देखने में, दैट इज द फेवरेबल, ट्रमेंडस फेवरेबल, सबसे बढ़िया होती है स्वर्ण मूर्ति। रजत मूर्ति, जो चांदी की मूर्ति है, वो भी फेवरेबल होती है, अच्छी होती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी का अगर ग्रह की संक्रांति हो, कोई ग्रह राशि चेंज करे और उस वक्त किसी को स्वर्ण मूर्ति मिले या किसी को रजत मूर्ति मिले, तो अच्छा है, इट इज ए फेवरेबल कंडीशन। किसी को ताम्र मूर्ति मिले, तांबे की मूर्ति मिले, तो वो एवरेज कंडीशन कहलाती है, मध्यम कहलाती है, ना बुरी है ना अच्छी है। लेकिन किसी को लौह मूर्ति मिले तो उसे कहते हैं कि अनफेवरेबल, वो कंडीशन अच्छी नहीं है। ये एक देखने वाली बात है कि जब भी कोई ग्रह राशि चेंज करे, तो आपको स्वर्ण मूर्ति मिले या रजत मूर्ति मिले, चलिए ताम्र मूर्ति भी मिल जाए, पर लौह मूर्ति ना मिले। अगर लौह मूर्ति मिलती है तो उस ग्रह का गोचर उस राशि में, नई राशि में, आपको गलत तरीके से प्रभावित करता है, आपको नेगेटिवली प्रभावित करता है। ये चीज दिखाने वाली, इसमें बताने वाली बात है। अब ये मूर्ति निकालते कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मूर्ति निकालते कैसे। देखिए, मूर्ति निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसको जिस समय ग्रह राशि चेंज करता है, जिस समय ग्रह राशि चेंज करता है, उस समय आप देखिए चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। आपको चंद्रमा की दो पोजीशन लेनी है। एक तो चंद्रमा की पोजीशन आपको लेनी है कि जन्म के समय आपका चंद्रमा कहाँ और किस राशि में है। आपने ये नोट कर लिया कि भाई जन्म के समय मेरा चंद्रमा वृषभ राशि में है, या जन्म के समय मेरा चंद्रमा तुला राशि में है, वो आप नोट कर लीजिए कि जन्म के समय आपका चंद्रमा किस राशि में है, जो जन्म कुंडली में आपके है, D1 चार्ट में। और जिस समय ग्रह ने गोचर किया दूसरी राशि में, उस समय गोचर का चंद्रमा किस राशि में है, उस राशि से उस राशि तक की डिस्टेंस काउंट कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मूर्ति निर्णय निकालने के लिए बहुत सिंपल है।
नोट जन्म राशि, दैट इज द साइन वेयर द मून इज प्लेस इन द बर्थ चार्ट, कि मून आपकी बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। सपोज कीजिए इफ समवंस बर्थ चार्ट मून इज पोस्टेड इन ट्रायरस, वृषभ राशि में है, तो उस जातक की राशि हो गई वृषभ। अब एक ट्रांजिटिंग प्लैनेट लीजिए, जो प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहा है, गोचर में चल रहा है, उस प्लैनेट को देखिए। अब मान लीजिए कि जुपिटर, मार्स या सैटर्न या राहु किसी का ट्रांजिट है इसके अंदर। अब जिस दिन प्लैनेट ने ट्रांजिट किया डिफरेंट राशि में, यानी बृहस्पति मान लिया 11 नंबर राशि छोड़ के 12 में आया, या 12 नंबर राशि छोड़ के 1 राशि नंबर में आया, उस समय जो चंद्रमा था गोचर में वो किस राशि में था। नोट द ट्रांजिटिंग पोजिशन ऑफ द मून ऑन द डे वेन द चूजन प्लैनेट एंटर्स ए न्यू साइन विद रेफरेंस टू योर नेटल मून। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये नोट करना है कि जिस समय ग्रह ने राशि चेंज की उस समय गोचर का चंद्रमा किस राशि में था। जन्म के समय चंद्रमा गोचर का किस राशि में था वो आपने देख लिया। उसके बाद आपको ये लगाना है, यदि जन्म के समय से गोचर का चंद्रमा पहले, छठे और 11वें भाव में है, जन्म के समय से गोचर का चंद्रमा पहले, छठे और 11वें भाव में है, तो वो स्वर्ण मूर्ति कहलाती है, उसको स्वर्ण मूर्ति बोलते हैं। यदि जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा ग्रह की संक्रांति के समय, जब ग्रह राशि चेंज करता है, तो जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अगर दूसरे, पांचवें या 9वें भाव में है, तो वह मूर्ति रजत मूर्ति कहलाती है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर मूर्ति। इफ द मून इज ट्रांजिटिंग थ्रू एनी ऑफ द थर्ड, सेवंथ और 10th हाउस फ्रॉम द नेटल मून, यानी अगर गोचर का चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, सातवें या 10वें भाव में है एट द टाइम ऑफ ग्रह की संक्रांति, तो वो ताम्र मूर्ति कहलाती है। और यदि गोचर का चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से चौथे, आठवें या 12वें भाव में है, तो वो लौह मूर्ति कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लीजिए कि ग्रह अपनी राशि कब चेंज कर रहा है। सपोज कीजिए आपको देखना है कि शनि की संक्रांति जो है, अभी शनि 11 नंबर राशि में, या गुरु अभी 1 नंबर राशि में है, ये हम लोग सब जानते हैं, गुरु मेष राशि में है। अभी कुछ समय बाद गुरु मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में आएगा, तो गुरु राशि का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको चेक करना है। तो आपको मूर्ति डिसाइड करनी पड़ेगी, भाई गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो 1 नंबर राशि से निकल के 2 नंबर राशि में आ रहा है, तो मेरे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए आप ये देखेंगे, जिस समय गुरु राशि चेंज कर रहा होगा, जिस समय गुरु 2 नंबर राशि में आ रहा होगा, उस समय चंद्रमा गोचर में जिस भाव में है और जन्मकालीन चंद्रमा गोचर में किस भाव में है, तो जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा किस भाव में गोचर कर रहा है, उस भाव के अनुसार आप मूर्ति का निर्णय कर लेंगे। अगर वो जन्मकालीन चंद्रमा से पहले, छठे, 11वें हाउस में गोचर कर रहा है तो स्वर्ण मूर्ति, दूसरे, पांचवें, 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो रजत मूर्ति, तीसरे, सातवें, 10वें भाव में गोचर कर रहा है तो ताम्र मूर्ति, और चौथे, आठवें और 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो लौह मूर्ति। अब ये मूर्ति कैसी होती है, ये आपको बताया कि स्वर्ण मूर्ति है, तो उस ग्रह का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी उस साल गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगे। गुरु ग्रह की ब्लेसिंग रहने का मतलब ये है कि धन धान्य आपके पास आएगा, आपका संतान हो सकती है अगर आप संतान के इच्छुक हैं, और संपत्ति हो सकती है, ज्ञान का अर्जन आपको हो सकता है अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं, तो गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि मूर्ति निर्णय आपको अच्छा मिला। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ऐसे निकाल के आप मूर्ति निर्णय से ये देख सकते हैं कि आपके लिए किसी ग्रह की संक्रांति, किसी ग्रह का 1 राशि से दूसरी राशि में जाना का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो काइंडली नोट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई कमेंट्स हो तो डालिएगा, मैं कमेंट्स का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, नहीं समझ में आए तो। और इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग इच्छुक हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।